हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ मोहित पुंडी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जीज एंड कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इनके फिर कुछ डेरिवेशंस हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो इफेक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। देखो, फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। एक फिजिक्स की ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, ठीक है, कि फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स इज डिफाइंड बाई द फिजिकल क्वांटिटीज, उसको फिजिकल क्वांटिटीज से डिफाइन करते हैं फिजिक्स को। आप देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने चार्ज की जो हमारे इफेक्ट्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर में उसके हमने दो इफेक्ट्स, तीन इफेक्ट्स को हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स से रिलेटेड थी, और एक हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इन तीनों के इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर वो था। ये हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसमें डिफाइन की थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम दो तीन क्वांटिटी और डिफाइन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उन दोनों से ये डिफरेंट है, वो जैसे वेक्टर है ये स्केलर है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो एक तरह का फोर्स हो गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो भी एक फोर्स हो गया। यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया। उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और फिक्स उसमें डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसलिए वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को डिटरमाइन करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल, ठीक है, इंटेंसिटी हमें क्या बताएगी कि किस पॉइंट पे फील्ड के अंदर कितना फोर्स है। अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लार्ज है तो वहां पे इंटेंसिटी भी लार्ज होगी, अगर फोर्स स्मॉल है तो इंटेंसिटी भी वहां पे स्मॉल होगी। ठीक है, वो ये हमें इंटेंसिटी क्या बताएगी कि कितना, हाउ मच फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन ए चार्ज। ठीक है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को डिटरमाइन करने वाली जो क्वांटिटी होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी का नाम हमारा पोटेंशियल है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम तो हमें कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। हमने कहा ये पेन है, इसको हमें यहां से उठाना है ऐसे, तो इसको उठाने के लिए इस पे कुछ हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने अप्लाई किया है, एरिस्टोटल ने इसका नाम रख दिया था फोर्स। क्या नाम रख दिया था इसका? फोर्स। इसको हमने उठाया तो हमने कुछ अप्लाई किया है, उस कुछ का नाम फोर्स रख दिया, तो फिजिकल क्वांटिटी वो फोर्स होगी। फोर्स अप्लाई करके इसको हमने ऐसे मूव कराया तो हमने इस पे कुछ किया भी है, तो उसका नाम, उस क्वांटिटी का नाम रख दिया वर्क। वो हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क डन। तो ऐसे ही जो भी कोई क्वांटिटी होगी उसका कुछ ना कुछ तो नेम होगा, कुछ ना कुछ उसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जैसे ये मैंने एक डायग्राम बना हुआ है फ्लो ऑफ वाटर। देखो, दो कंडीशन है, ए बी, ए बी। ठीक है, इसमें वाटर के इधर को फ्लो होगा, इधर को या इधर को। इसमें वाटर का फ्लो होगा बी टू ए, और इसमें वाटर का फ्लो किधर को होगा? ए टू बी। ऐसा क्यों है? इनमें किसी चीज का डिफरेंस है,
एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस वाटर के फ्लो को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो ये यहाँ पे हाइट बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का हम फॉर्मूला P इक्वल टू H रो G, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होगा। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ओरिजेंटल में होगा ऐसे, फिर प्रेशर सेम होगा, फिर वाटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, या प्रेशर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ वाटर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, ये जो वाटर है, जो हमारा 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हमें सब सामने दिखाई देते हैं। कार मूविंग, ठीक है, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, वो भी हमें दिखाई देगी। ठीक है, और व्हील रोटेटिंग, ये सब उसमें ज्यादातर, पेंडुलम, ठीक है, वाइब्रेटिंग, ये सब चीजें उसमें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। लेकिन क्लास 12th में जितना भी है, ठीक है, क्लास 12th में 90% जो सिलेबस है हमारा, ठीक है, वो क्या है? हाइपोथेटिकल है। अब देखो, चार्ज जब फ्लो करेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, हम केवल उसको महसूस करेंगे। जैसे अगर हीट फ्लो करेगी, वो भी हमें दिखाई नहीं देगी, उसको भी हम महसूस कर सकते हैं। हीट फ्लो हो गया हमारा, तो हीट फ्लो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे। इस पे डिपेंड करेगा, हीट का जो फ्लो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। दो बॉडी हैं, अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, एक तो हीट फ्लो करेगी किधर से किधर को, हाई से लो की तरफ वो हीट फ्लो करेगी। तो हीट का फ्लो, ठीक है, टेम्परेचर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ हीट, प्रेशर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ वाटर। सिमिलरली एटमोस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ विंड, हवा चलेगी उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देगी, वो भी हमारा महसूस करने। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सामने दिखाई देंगी, जैसे ये वाला है, और कुछ चीजें हम सामने दिखाई नहीं देंगी, केवल हम उनको महसूस करेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। तो 12th में तो सारा हाइपोथेटिकल ही है ये, ठीक है, महसूस होंगे, इनके जो इफेक्ट्स हैं वो रियल होंगे, ठीक है, और बाकी ये जो इनका सब कुछ होगा, बहुत कुछ इसमें इमेजिनरी होगा, और जो इफेक्ट्स होंगे वो इफेक्ट्स इनके रियल होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूमेरिकली द रेशियो ऑफ वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी या फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए पॉइंट इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सिलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सिलरेशन, ये ध्यान रखना है, विदाउट एक्सिलरेशन उसको मूव कराना है। ठीक है, अगर उसमें एक्सिलेशन होगा तो डिफरेंट कंडीशन में वर्क डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सिलेशन ज्यादा होगा तो अलग वर्क होगा, एक्सिलेशन कम होगा तो डिफरेंट वर्क होगा। लेकिन अगर वो हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड से आएगा, विदाउट एक्सिलेशन आएगा, तो वर्क उसमें कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वो फिक्स वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हमने बोला है विदाउट एक्सिलरेशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ठीक है, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से या रेफरेंस पॉइंट इसलिए बोलते हैं, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। जो फील्ड के बाहर होगा तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अगर फील्ड के अंदर, जैसे ये कोई चार्ज है, ये इसकी फील्ड है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाएंगे फील्ड के अंदर ही, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव कराएंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बट इफ वी मूव द चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और फ्रॉम इन्फिनिटी, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी और फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगा, उससे अगर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क होगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो उसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम और वोल्ट, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये एक
स्केलर क्वांटिटी है इसमें, जो वर्क है हमारा, देखो वर्क स्केलर है और जो चार्ज है वो भी स्केलर है, तो इन दोनों की जो रेशियो होगी वो भी स्केलर आ जाएगी। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब देखो जब स्केलर है तो हम इसको विद साइन लेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। नाउ वी स्टडी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी वर्क है, ठीक है, वर्क एनर्जी कैसी है वो, ठीक है, एनर्जी होगी, तो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो पोटेंशियल है वो भी हमारा वर्क है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमारा वर्क है, दोनों ही वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है ये दोनों, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि पोटेंशियल तो होगा रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा यूनिट चार्ज वो हो जाएगा पोटेंशियल, और विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये हमारा सपोज करो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, ये दीवार हमने मेटल की बना दी पूरी कॉपर की और ये भी कॉपर की बना दी, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस कमरे के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऐसे एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, अब देखो ये पॉइंट है हमारा, हमें इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाना है, अगेंस्ट उसके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो जितनी भी हम डेफिनेशन इसमें ली हुई है उनमें जो टेस्ट चार्ज सपोज किया है बाय द कन्वेंशन पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बनाया हुआ है, वो कन्वेंशनल है, ले जाने को हम नेगेटिव भी ले जा सकते हैं लेकिन सारे साइन फिर चेंज हो जाएंगे, तो डेफिनेशन जो दी गई है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रिगार्डिंग डेफिनेशन दी गई है, तो ये चार्ज को हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाना है इस साइड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी और ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, तो इधर लेके जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो एक्सटर्नल सोर्स जितना वर्क करेगा इसको जबरदस्ती इधर लेके जाना है, ठीक है, तो ये हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं, ए से बी पे लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। डिफरेंस जब भी फिजिक्स में डिफरेंस निकालते हैं हमेशा और हमेशा सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी से हम डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, अगर ए से बी पे गए हैं तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू ए बी, हम ए से बी पे गए हैं तो वर्क डन डब्ल्यू ए बी हो जाएगा अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सिलरेशन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सिलरेशन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करना पड़ेगा। आप देखो पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब हम मूव करते हैं तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, सपोज करो यहाँ पे प्लस टेन है, प्लस नाइन, प्लस एट, प्लस सेवन, प्लस सिक्स, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस टेन, देखो पोटेंशियल इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जब फील्ड के अलोंग हम मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। अब देखो जब हम सपोज करो ये ए पॉइंट पे पोटेंशियल है माइनस टू और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है सेवन, तो वी ए की वैल्यू हमारी माइनस टू और वी बी की वैल्यू हमारी प्लस सेवन, तो वी बी माइनस वी ए सेवन माइनस माइनस टू, तो कितना हो जाएगा ये नाइन वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर हम फील्ड के ऑपोजिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा,
और जो वर्क होगा वर्क एक्सटर्नल सोर्स से इसमें वर्क होगा, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ दें इसे पॉजिटिव को, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से वर्क ना करें तो फिर क्या होगा, ये अपने आप ही इधर मूव करेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो अब ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो बी से ए पे, तो उसको हम लिख देंगे वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नोट। अब वर्क करेगा सिस्टम ऑफ चार्ज, अब वर्क कौन करेगा, सिस्टम ऑफ चार्ज। वर्क जो होता है वो एक्सटर्नल सोर्स से करेंगे तो वो अगेंस्ट करेंगे, अगर बाय चांस सिस्टम ऑफ चार्ज वर्क करता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, और वैसे वर्क डन बाय द सोर्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेगेटिव है तो वर्क किसने किया है, सिस्टम ऑफ चार्ज ने वर्क किया है। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है तो वर्क हमारा एक्सटर्नल सोर्स ने किया है। तो यहाँ पे देखो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए कितना है माइनस टू और वी बी कितना है सेवन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस नाइन। तो अगर माइनस होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है उसने वर्क कर दिया तो उसका तो बेचारे का लॉस हो गया ना, सिस्टम का लॉस वहां नहीं हुआ, उसने वर्क कर दिया, हमने कोई वर्क कर दिया तो लॉस होगी एनर्जी, तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। अगर हमने वर्क किया है सिस्टम पे तो हमने उसको कुछ दिया है, हमने उसमें कुछ ऐड किया है तो फिर वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों ही ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो मेन जो होगा वो फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करेंगे, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना डिफिकल्ट है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, वो इन्फिनिटी है या क्या है, मेन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। पोटेंशियल सिर्फ कहने के लिए है पोटेंशियल, अदरवाइज देखो है कुछ नहीं, ये है पोटेंशियल डिफरेंस ही, फील्ड के अंदर हम मूव कराने में देख लेंगे कितना वर्क हुआ है तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, अगर एक पॉइंट उनमें इन्फिनिटी ले लेंगे तो फिर वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल होगा, ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को जो डिटरमाइन करती है, ठीक है। अब देखो इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है एक, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, तो ये किधर मूव करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा या लो से हाई की तरफ मूव करेगा, तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यहाँ ए है और यहाँ ए से बी, तो ये मूव किधर करेगा, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी। अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा फील्ड के अंदर, ये लो से हाई की तरफ मूव करेगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ठीक है, थैंक यू।